इसराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में इसराइल और गाजा को लेकर दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है। भयंकर युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों पक्षों को सलाह दी। अमेरिका ने कहा कि जितना जल्दी हो सके स्थायी युद्ध विराम का फैसला ले लें, जिसके बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इतना भड़क गए कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को धमकी दे डाली है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं हो जाता, ना कोई समझौता होगा और ना ही गाजा पर युद्ध रुकेगा। इतने नहीं, इसराइल के दो मंत्रियों ने तो अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दे दी। आपको यहाँ बता दें कि राफा में इजरायली सेना कहर बनकर टूट रही है। हमास के खात्मे का नारा लगाने वाली आईडीएफ के निशाने पर ज्यादातर निर्दोष फिलिस्तीनी आ रहे हैं। राहत शिविरों में रह रहे शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर हत्या हो रही है। दरअसल राफा शहर में मचे कत्लेआम के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बयान दिया कि इसराइल ने हमास को युद्ध विराम का नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें इजरायली लोगों की रिहाई के साथ कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाए। अमेरिका ने यह भी उम्मीद जताई थी कि यह स्थायी युद्ध विराम भी हो सकता है। आतंकी समूह हमास ने इस बयान पर सहमति जताई थी और बयान दिया था कि वो इस पर विचार कर सकता है। हालांकि अगले ही दिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर भिदक गए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि उनका प्रण आज भी कायम है और हमास के पूर्ण खात्मे तक इजरायली सेना नहीं रुकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल की शर्तें नहीं बदली हैं। जब तक हमारी सेना हमास आतंकियों का हर जर्रा नहीं मिटा देती और सभी बंधकों को मुक्त नहीं करवा देती, नहीं रुकेंगे। इजरायल का दावा है कि गाजा के बाद अब हमास की बची कुची सेना राफा में छिपी हुई है। ताजा घटनाक्रमों पर नजर डालें तो इजरायली सेना राफा में अंदर तक घुस चुकी है और कई रिहायशी इलाकों में कब्जा करने के बाद लगातार आगे बढ़ रही है। राफा में पिछले दिनों दो हमलों में इजरायल के हाथों कई मासूम फिलिस्तीनियों की जान गई थी। दोनों मौकों पर राहत शिविरों पर हमले किए गए, जिसमें पहले दिन 45 और दूसरे बार में 21 लोगों की मौत हुई। राफा में उन जगहों पर इजरायल ने हमले किए जहां राहत शिविर लगे थे। गाजा से अपनी जान बचाकर भागे फिलिस्तीनियों ने यहां शरण ले रखी थी। इजरायल के इस नरसंहार की दुनिया भर में आलोचना हुई। बाद में नेतन्याहू ने मामले में जांच के आदेश भी जारी किए और माफी मांगी थी। हालांकि आईडीएफ ने एक बयान में कहा था कि उसकी सेना ने इन कैंपों में हमले से हमास के चीफ ऑफ स्टाफ समेत कई आतंकियों को मार डाला। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल इस बात पर जोर देता रहेगा कि स्थायी युद्ध विराम लागू करने से पहले वो हमास का समूल नाश कर दे। तब तक ना तो इसराइल रुकेगा और ना ही इसराइल किसी शर्त को मानेगा। अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव के आगे इसराइल में आग बनकर सामने आई। नेतन्याहू के अलावा इसराइल के दो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दो मंत्रियों ने अमेरिका को धमकी दी। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेंजालेल सोमेट्रिच ने कहा कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं हो जाता, वो किसी भी समझौते का विरोध करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।